वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने डाइजेशन के इंटायर मैकेनिज्म को समझा। हमने देखा कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स का डाइजेशन होता है। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेप्स बचे हुए हैं? बिल्कुल, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, इन तीन चीजों का होना अभी बाकी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बताना आप। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है फूड के डाइजेशन के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स बने हैं उनको स्मॉल इंटेस्टाइन से बॉडी के सर्कुलेशन का हिस्सा बना देना। यानी कि जैसे कि देखो, कार्बोहाइड्रेट्स टूट गए हैं मोनोसेक्राइड्स में, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज में, प्रोटीन्स टूट गए हैं एमिनो एसिड्स में, और फैट मॉलिक्यूल्स टूट गए हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो इनको स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंचा देना है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। इस चीज को करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारा, वो खुद को मॉडिफाई कर लिया है। क्यों मॉडिफाई किया है भाई? एब्जॉर्प्शन वो अच्छे से कर पाए इसके लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल, किसी को अगर सिंगर बनना होता है तो वो रियाज कर करके अपने गले को अच्छा बना लेता है। किसी को अगर टीचर बनना होता है तो वो उस चीज की प्रैक्टिस करता है। किसी को रेसलिंग में जाना होता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ठीक ऐसे ही ह्यूमन बीइंग्स का जो इवोल्यूशन हुआ पिछले करोड़ों साल में, उस इवोल्यूशन में स्मॉल इंटेस्टाइन ने खुद को मॉडिफाई कर लिया एब्जॉर्प्शन को बेहतर तरीके से करने के लिए। और कैसे हुआ भाई? देखो, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंदर का हिस्सा है, मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का हॉलो ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब का जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाले हिस्से पर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए होते हैं। मान लो मैं अगर स्मॉल इंटेस्टाइन का एक सेक्शन दिखाऊं आपको, ठीक है, ये एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। मान लो, जैसे कि मान लो कि ये ट्यूब है, मैंने यहां से कट कर दिया और ये सेक्शन आपको दिख रहा है। तो अंदर में बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विल्ली। क्या कहते हैं भाई? बिल्ली नहीं कहते हैं, विल्ली, VILLI, विल्ली। ये एक प्लूरल वर्ड है एक्चुअली। अगर मैं दो की या बहुत ज्यादा सारे की बात करूं तो इन्हें विल्ली ही कहते हैं। और जो सिंगुलर वर्ड है वो है विल्लस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। बहुत सारे प्रोजेक्शंस जो है विल्ले के, वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होगा? ज्यादा एरिया मिलेगा भाई एब्जॉर्प्शन के लिए। फॉर एग्जांपल, आपको ये समझने में थोड़ी सी परेशानी आ रही होगी कि ये बन जाने से सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाता है। मैं समझ सकता हूं। क्लास 9th में आपने जब सेल को पढ़ा था तो आपको याद होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ते वक्त आपने देखा था कि जो इनर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो काफी सारे फोल्ड्स में बटा हुआ होता है। काफी सारे फोल्ड्स होते हैं जिन्हें कि हम क्रिस्टी कहते हैं। और ये फोल्ड्स भी क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजोम्स अटैच हो सके और ज्यादा से ज्यादा एटीपी का प्रोडक्शन हो। ये फोल्ड होने की वजह से या प्रोजेक्शंस की वजह से सरफेस एरिया क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि मान लो कि जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है आपके सामने, मैं अगर एक कपड़े को लेकर इसके ऊपर फैला देता हूं, उस कपड़े का टोटल एरिया, ठीक है, या फिर मैं एक कपड़े को लेता हूं और उसे यहां फैलाता नहीं हूं, उसे कुछ यू मोड़ मोड़ कर यहां रखता हूं और पूरे बोर्ड को कवर करता हूं मुड़े हुए कपड़े से। अब बताओ, वो जो मुड़ा हुआ कपड़ा होगा उसका एरिया टोटल ज्यादा होगा या जो फैलाया हुआ कपड़ा है उसका ज्यादा होगा? बिल्कुल, जो मुड़ा हुआ है उसमें फोल्ड्स की वजह से जो टोटल एरिया है वो क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ठीक वैसे ही यहां जो विल्ले प्रेजेंट है उनकी वजह से क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सरफेस है उसका एरिया क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। और सरफेस एरिया को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं यहां। जैसे कि देखो, ये जो विल्ले है इसके ऊपर, विल्ले के ऊपर जो एपिथेलियम का लेयर होता है वो लेयर भी ब्रश बॉर्डर्ड होता है। यानी कि बहुत सारे माइन्यूट ब्रश के जैसे बॉर्डर यहां पर बने हुए होते हैं। और ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होने की वजह से जो सरफेस एरिया है वो और भी काफी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। अब हमारे पास यहां जो डाइजेस्टेड मटेरियल है, जैसे कि मोनोसेकेराइड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हैं, तो इन सबको अलग अलग तरीके से कहां ले जाया जाता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन के सराउंडिंग। मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है और मान लो कि ये विल्ले ही है, ठीक है, ये विल्ले ही है। विल्ले के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं
देखो जैसे कि एक ब्लड वेसल है, ठीक है, और ब्लड वेसल के अलावा एक और चीज यहां पर आती है, वो क्या है भाई, लिम्फ वेसल, जिसे कि हम लैक्टील भी कहते हैं। मान लो कि ये लिम्फ वेसल है, इसमें लिम्फ बह रहा होता है। आप पूछोगे कि लिम्फ क्या होता है, ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, ब्लड के ही जैसा होता है बहुत हद तक, बट कलरलेस होता है। इसी चैप्टर में आगे जब हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को जानेंगे तो वहां लिम्फैटिक सिस्टम और लिम्फ के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। अभी बस इतना सा जानना कि ब्लड के जैसा एक कलरलेस सब्सटेंस होता है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड के ही तरह बहता रहता है, कुछ सेपरेट वेसल्स में, ठीक है। तो यहां आप देखो विले के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, ये जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया है ये क्या है, ब्लड वेसल, ठीक है, और जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है वो क्या है, लिम्फ वेसल। ये जो ब्लैक कलर वाला है वो क्या है, लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल को ही एक और नाम से जानते हैं, वो क्या, लैक्टील, ठीक है, लैक्टील। तो ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, और यहां इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर बन चुका है, मोनोसेकेराइड्स, एमिनो एसिड्स है यहां, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, बहुत सारी चीजें हैं। आपको यहां ध्यान ये रखना है कि सारी चीजें फैट के डाइजेस्टेड फॉर्म को छोड़कर, यानी कि जो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है और जो डाइजेस्टेड प्रोटीन है, वो सब जाता है कहां, ब्लड वेसल में। कहां जाता है, ब्लड वेसल में। कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाता है, कुछ पैसिव फॉर्म में जाता है, उतने डिटेल में आपको अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है, हायर क्लासेस में देखोगे वो सब, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद जाता है ब्लड वेसल में, जबकि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है उसे भेज दिया जाता है कहां, लिम्फ वेसल में। कहां भेज दिया जाता है, लिम्फ वेसल में। एक्चुअली वहां भेजने से पहले भी कुछ मॉडिफिकेशंस किए जाते हैं, उसमें कुछ कोटिंग वोटिंग की जाती है ताकि वो आसानी से चला जाए कहां, लिम्फ वेसल में। और इस तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो सारा किसका हिस्सा बन जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, और सर्कुलेट होता हुआ वो हमारे अलग अलग सेल्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहां जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो एक्चुअली कंप्लीट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन के बाद जो दूसरा स्टेप होगा वो कौन सा स्टेप होगा भाई, एसिमिलेशन। बिल्कुल सही कहा आपने, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड हमारे सेल्स तक पहुंच गया, वहां पर इन मटेरियल्स का, इन न्यूट्रिएंट्स का यूज किया जाएगा सेल के द्वारा अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में। फॉर एग्जांपल, जो कार्बोहाइड्रेट्स गए हैं अंदर, यानी कि मोनोसेकेराइड्स के फॉर्म में जो ग्लूकोज वगैरह गया है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में, जो कि जस्ट इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लूकोज का यूज किया जाएगा एनर्जी प्रोडक्शन में। जो प्रोटीन्स एमिनो एसिड के फॉर्म में गए हैं, वापस एमिनो एसिड से हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल गए हुए हैं, उनको वापस से फैट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और यूज किया जाएगा। जो एक्स्ट्रा फैट होगा उसे एडिपोसाइट्स में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम एसिमिलेशन के बारे में कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच द सेल्स यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स। यानी कि एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां की जो सेल्स है हमारी बॉडी के, वो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, चाहे वो एनर्जी प्रोड्यूस करना हो, चाहे अलग अलग तरह के एंजाइम्स हार्मोन्स को बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, ठीक है भाई। तो एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन भी पूरा हो गया। अब एक बात समझना, जब फूड का डाइजेशन होता है और जब एब्जॉर्प्शन होता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है हमारे फूड में जो कि डायरेक्टली हमारे काम की नहीं होती हैं, ठीक है। तो उन चीजों को बॉडी से इलिमिनेट भी करना होता है, और वो इलिमिनेशन का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इजेशन। क्या कहते हैं, इजेशन, ठीक है। इजेशन का मतलब हुआ जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे
एलिमेंटरी कैनाल के बाहर इलिमिनेट कर देना। ठीक है, इजेशन कैसे होता है भाई? देखो, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ आकर स्टोर हो जाता है कहां? रेक्टम में। देखो, मैं अगर लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट का कुछ हिस्सा बनाऊं, देखो ये डिसेंडिंग कॉलन है, ये सिग्मोइड कॉलन है, और सिग्मोइड कॉलन के बाद का ये जो हिस्सा है ये पूरा क्या है? रेक्टम है। क्या है? रेक्टम। जब रेक्टम में स्टोर हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, तो रेक्टम जब एक लिमिट तक फिल हो जाता है तो यहां से एक नर्व इंपल्स जाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास। किसके पास जाता है? स्पाइनल कॉर्ड के पास। और आप जब आगे के चैप्टर्स में पढ़ोगे स्पाइनल कॉर्ड के अलग अलग रीजन के बारे में, तो स्पाइनल कॉर्ड के निचले हिस्से को हम कहते हैं सैक्रल रीजन। स्पाइनल कॉर्ड के नीचे का एक हिस्सा होता है जिसे कि हम कहते हैं सैक्रल रीजन, SACRAL, सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो सैक्रल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के पास एक मैसेज जाता है रेक्टम के पास से कि भाई ये जो बैग है ये क्या हो गया है? फुल हो गया है। तो वहां से सैक्रल रीजन से एक मोटर इंपल्स वापस आता है रेक्टम के पास, और उससे क्या होता है? देखो, ये जो रेक्टम है जिन मसल्स से बना हुआ है, यहां पर कुछ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। कैसे मसल्स होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कुछ यूं ऐसे मसल्स होते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे ट्रांसवर्स हो जाएगा। तो जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं उन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लैडर जो है, ये जो रेक्टम है, ये कैसा हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। रेक्टम कैसा होगा? शॉर्ट होगा। रेक्टम के शॉर्ट होने के साथ साथ यहां कुछ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि जो एब्डोमिनल मसल्स हैं, एब्डोमिन के जो मसल्स हैं वो, जो डायफ्राम है वो, ये सब मिलकर एक प्रेशर क्रिएट करता है। और उसकी वजह से ये जो एनस है, एनस के पास मैंने आपको बताया था दो स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब मसल का एक रिंग जो कि किसी भी ओपनिंग को कंस्ट्रिक्ट करके रखता हो, बंद करके रखता हो। तो जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है वो इन सारे रीजंस की वजह से ओपन हो जाता है, और जब ये इंटरनल वाला ओपन हो जाता है तो एक्सटर्नल वाला भी हमारे वॉलंटरी एक्शन से ओपन किया जाता है, और जो यहां पर स्टोर्ड वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी के बाहर इलिमिनेट कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इजेशन कहलाता है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, हमने डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन को देखा, एब्जॉर्प्शन के बाद हमने समझा कि एसिमिलेशन क्या होता है, और आफ्टर दैट हमने देखा इजेशन क्या होता है और वो कैसे एकम्प्लिश किया जाता है। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं अच्छे से तो कमेंट्स में जरूर बताना, और कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछना। हाँ, एक और बात बता दूं, यहां वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, वहां जरूर ज्वाइन कर लेना, आपके काम की बहुत सारी चीजें वहां मिलने वाली है। थैंक यू।